हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास वन के बच्चों को नाउन हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप ये सभी क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को नाउन में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने में काफी आसानी होगी और वो नाउन को सही तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम नाउन का डेफिनेशन देख रहे हैं। नाउन का डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। हमारे आसपास हम जो भी चीजों को देखते हैं उसे हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, जैसे क्लॉक, पेंसिल, बुक, विंडो, डोर, चेयर, गर्ल, बॉय, इस तरह से। तो वही होता है नाउन। तो इस तरह से बच्चों को आप पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करें, देन हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों को ये सभी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, राइट द नाउन वर्ड्स इनटू द करेक्ट प्लेस। यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। अब इसमें से बच्चों को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और करेक्ट प्लेस पर जस्ट फिल कर देना है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? पर्सन। तो पर्सन के कॉलम में हम डॉक्टर को लिखेंगे। सिंगर, ये भी एक पर्सन है तो इसे भी पर्सन के ही कॉलम में लिखा जाएगा। बीच, बीच जगह का नाम होता है तो इसे हम लिखेंगे प्लेस के कॉलम में। टेबल, बॉल, ये थिंग्स के नेम है, कोई चीज है तो इसे हम थिंग्स के कॉलम में लिख लेंगे। ऐसे ही मंकी, कैट, ये क्या है? एनिमल है तो इसे एनिमल के कॉलम में लिखा जाएगा। एयरपोर्ट क्या होता है? प्लेस होता है तो इसे हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे। बुक थिंग है, सामान है तो इसे थिंग के कॉलम में लिखा जाएगा। फार्म एक जगह का नाम होता है तो इसे हम प्लेस के कॉलम में लिखेंगे, एफ ए आर एम, फार्म। हॉर्स एनिमल, और टीचर एक पर्सन है तो इसे हम पर्सन के कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से ये सभी नाउन्स को हम किसी न किसी नाम से जान रहे हैं और नाम पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पर्सन है या प्लेस है, थिंग है या एनिमल है। तो यही सब वर्ड होते हैं नाउन। तो इस तरह से आप बच्चों को कैटेगरी वाइज नाउन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। सेकेंड वर्कशीट में हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब इन सेंटेंसेस को आप बच्चों को रीड करने के लिए कहें, इससे उनकी रीडिंग भी काफी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप इसमें से जो कॉमन नाउन है उसे पहचान कर बच्चों को सर्कल करने के लिए कहें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ए हैन ईट्स ग्रेन्स। तो यहाँ पर दो कॉमन नाउन्स हैं, कौन कौन से? हैन, ये एनिमल का नाम हो गया तो इसे हम सर्कल करेंगे, और ग्रेन्स थिंग्स है तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। ये दोनों ही कॉमन नाउन है। सेकेंड है, द डॉग रैन अवे। डॉग इज ए एनिमल तो इसे हम सर्कल करेंगे बिकॉज दिस इज कॉमन नाउन। दिस इज अ रेड शर्ट, शर्ट इज अ थिंग तो इसे भी सर्कल किया जाएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पर दो कॉमन नाउन है, कौन कौन से? बुक्स एंड टेबल, ये दोनों ही सामान के नेम है तो इन दोनों को ही हम सर्कल कर लेंगे। सो इस तरह से हमने जाना, जब भी हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के बारे में देखते हैं तो वो सभी को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं, उसे ही हम कहते हैं नाउन। सो इस तरह से आप बच्चों को कॉमन नाउन इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड वर्कशीट में हम प्रॉपर नाउन देखेंगे कि प्रॉपर नाउन हम बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें। प्रॉपर नाउन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जैसे अगर हमने सिटी कहा तो सिटी हो जाता है कॉमन नाउन, पर इसे अगर हम नेम दे देंगे लाइक मुंबई तो मुंबई हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे ही बॉय क्या है? एक कॉमन नेम है।
पर बॉय को हम नाम दे देंगे अजय, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को स्पेशल नाउन या स्पेशल नेम भी कहा जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मोना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल कॉमन नाउन है जो कि कोई भी हो सकता है, पर गर्ल को जो नेम हमने दिया है मोना, मोना क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, तो इसे हम कलर करेंगे। सेकेंड है मुंबई इज अ बिग सिटी, सिटी कॉमन नेम है तो सिटी को तो हम सर्कल या कलर कुछ नहीं करेंगे, मुंबई जो सिटी का नाम है तो इसे हम कलर करेंगे बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन। ही हैज अ डॉग नेम्ड पॉपी, पॉपी इज अ नेम ऑफ डॉग तो इसे भी हम कलर करेंगे बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन। यहां पर डॉग को हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ठीक है। माय बर्थडे इज ऑन मंडे, मंडे इज अ नेम ऑफ डे सो इसे भी हम कलर करेंगे। सो इस तरह से आप बच्चों को प्रॉपर नाउन की पहचान करना सिखा सकते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंसेस सिखाने के बाद हम बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने आया है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह से कुछ नाउन्स लिख देने हैं, कुछ कॉमन नाउन भी मिक्स करना है और प्रॉपर नाउन दोनों को ही। अब बच्चों को पहचानना है कि दिया गया नाउन कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। जैसे J-U-N-E जून, जून क्या है, इट्स अ नेम ऑफ मंथ, तो इसे हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे। होली फेस्टिवल का नाम है तो इसे भी हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में ही लिखेंगे। अगर इसकी जगह पर फेस्टिवल होता तो वो कॉमन नाउन में लिखा जाता, पर यहां पर फेस्टिवल का नाम है इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे। कप कॉमन नाउन है तो इसे कॉमन नाउन के कॉलम में लिखा जाएगा। जनवरी इट्स नेम ऑफ मंथ तो इसे भी हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। ऐसे ही डॉग एक कॉमन नाउन है तो इसे कॉमन नाउन के कॉलम में लिखा जाएगा। मंडे ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये डे का नेम है, दिन का नाम है तो इसे हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे। अमर किसी बॉय का नाम है तो इसे भी प्रॉपर नाउन के कॉलम में ही लिखा जाएगा। फ्लावर इज अ कॉमन नेम, हिंदी प्रॉपर नेम हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के जब नेम हम लिखते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में ही लिखते हैं। एंड बॉल इज अ कॉमन नाउन। सो इस तरह से हम बच्चों को कॉमन नेम और प्रॉपर नेम में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने जाना कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंसेस फाइंड आउट करना सिखाना है। आई होप आज की इस वीडियो के थ्रू आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।